हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में कवर करूंगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, फॉर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए। और कंटेंट है इस वीडियो का कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, डिफिनिट सॉल्यूशन, ठीक है। मैं सारा ये कंटेंट कवर करूंगा इस सिंगल वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें। अब हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसमें कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिफरेंस इक्वेशन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंस इक्वेशन। तो एक्चुअली ये डिफरेंस इक्वेशन क्या है कि जैसे एक फंक्शन है y, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो डिफरेंस इक्वेशन में हम ये सीखते हैं कि y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, जब हम x का डिफरेंट, जो x का वैल्यू जो देंगे डिफरेंट होगा और डिस्क्रीट होगा। जैसे डिस्क्रीट कहने का मतलब आइसोलेटेड वैल्यू, कंप्लीट वन, ये नहीं कि 1.1 कंटिन्यूअसली नहीं। अब ये डिफरेंस जो इक्वेशन है वो किससे रिलेटेड है, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ x, डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है, या डिस्क्रीट टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, ये डिस्क्रीट टाइम पीरियड है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो कंटिन्यूअस टाइम पीरियड, वो फाइंड आउट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन बिटवीन टू इंटरवल, जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच कंटिन्यूअसली 1.1, 0.1 बहुत सारे वैल्यू कंटेन है, ठीक है। लेकिन हमारा वीडियो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, तो डिफरेंस इक्वेशन में आप ये समझो कि ये डिस्क्रीट टाइम पीरियड से रिलेटेड है और ये डिस्क्रीट यानी आइसोलेटेड वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू लेगा। जैसे साइड ऑफ फैमिली, तो कितना होगा, 5 फैमिली है, 2 फैमिली है, ये लेगा, ये कभी नहीं लेगा कि 2.5 फैमिली है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट, ये हो गया आइसोलेटेड, कंप्लीट कोई भी नंबर लेगा, ठीक है। अब यहाँ है कि डिफरेंस इक्वेशन में ये डिस्क्रीट टाइम पीरियड से रिलेटेड है। दूसरा नंबर बात, ये डिफरेंस जैसे डेल्टा y t इक्वल टू y t प्लस 1 माइनस y t, ये डिफरेंसेस बता रहा है बिटवीन टू पीरियड, डेल्टा डिनोट कर रहा है डिफरेंसेस। मतलब अगर t का वैल्यू आप 2020 रख लो या 1 रख लो, 1 रख लो, ठीक है, तो 1 रख लेते हैं, तो ये डिफरेंसेस कितना का बता रहा है, t यहां 1 हो गया, माइनस y 1, ठीक है, तो 2 माइनस 1, यानी 2 और 1 का डिफरेंसेस, 1 पीरियड का अगर ये डिफरेंसेस बताता है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर टाइम डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ डिफरेंस जो बता रहा है टाइम पीरियड का वो कितना है, 1, अगर ये 2 आता तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, अगर 3 आता तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सो ऑन, ओके। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया क्या है। दूसरा चीज है कि इसका आप सॉल्यूशन कैसे करें। कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा कि आप इसका वैल्यू बताओ, कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, पार्टिकुलर फंक्शन क्या है, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। पहला है वाई टी प्लस 1 प्लस ए वाई टी इक्वल टू सी। अब दो चीज इसमें आपको सीखना पड़ेगा। पहला हम लोगों ने किया, दो तरह का फंक्शन होता है, एक होमोजीनस होता है, एक नॉन होमोजीनस होता है। तो दोनों को आप देख लो, क्योंकि होमोजीनस के मदद से हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, किसी भी ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन किसके मदद से निकलता है, नॉन होमोजीनस फंक्शन से। तो ये होमोजीनस, होमोजीनस होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनस डिफरेंस इक्वेशन। इधर एक होता है नॉन होमोजीनस, नॉन होमोजीनस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है होमोजीनस में क्या कंडीशन होता है, y t प्लस 1
प्लस ए वाई टी इक्वल टू जीरो, जो c का वैल्यू है, या आप इस तरह करो, कहो c जो है c इक्वल टू, इफ c इक्वल टू जीरो, अगर c का वैल्यू जीरो है तो बन गया होमोजीनस, और अगर c का वैल्यू जीरो नहीं है तो ये नॉन होमोजीनस बन जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू c, c इफ c डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो होमोजीनस और नॉन होमोजीनस में अंतर ये है कि होमोजीनस में जो ये c है कांस्टेंट है, उसका वैल्यू जीरो हो गया तो होमोजीनस हो गया, और नॉन होमोजीनस में c का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसकी मदद से हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके पर्टिकुलर कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और उसकी मदद से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब ये दोनों सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे तो फिर जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद डेफिनेट सॉल्यूशन, तो वन बाय वन स्टेप पढ़ रहे हैं। तो जो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है इसको वाई सी से डिनोट करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को वाई पी से, कंप्लीमेंट्री फंक्शन को वाई सी से और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को वाई पी से। अब हम वाई सी और वाई पी निकालेंगे, ठीक है। तो वेरी सिंपल है कि हमने पहले ही बता दिया कि इसको कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मैं होमोजीनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा गिवन फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन जो दिया गया है, या ये जो फंक्शन है इसको होमोजीनस में कन्वर्ट कर दो तो जीरो हो जाएगा। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं, फॉर वाई सी हम कहेंगे तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन में जैसे जीरो करोगे तो वाई टी को अज्यूम कर लो, अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम वाई टी इक्वल टू ए बी टू द पावर टी। जब वाई टी को ये किया तो जब हम लिखेंगे वाई टी प्लस वन इक्वल टू ए बी टी टू द पावर वन, इतना तो होगा क्योंकि यहाँ पर एक पीरियड टाइम स्क्रिप्ट, टाइम पीरियड स्क्रिप्ट बन रहा है, तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों जो वैल्यू आया है इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं होमोजीनस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा वाई टी का ए बी टी प्लस वन प्लस ए बी टी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर लॉ ऑफ इंडेक्सेस आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम प्लस एन। तो ये दोनों को जैसे यहाँ पावर है तो टी में, तो इसको इस तरह से लिखा सकता है बी बी टी इंटू बी, ठीक है। बी का पावर कुछ नहीं तो वन है, हिडन पावर होता है दोनों देंगे, दोनों देखिए जुट के क्या होगा बी टी प्लस वन, यहाँ वन होगा, कुछ पावर नहीं तो वन होगा। तो यहाँ से हम इतना कॉमन ले लेते हैं ए बी टी, तो बचा यहाँ क्या बी प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा जीरो बन जाएगा, तो b प्लस a इक्वल टू जीरो, तो b का वैल्यू सॉल्व फॉर b, देयरफॉर b इक्वल टू माइनस a। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री जो फंक्शन है हमने क्या माना, ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है, जो ओरिजिनल हमारा माना, तो क्या है a b टू दी पावर t, तो a हो गया, b का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला माइनस a और t, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों ने निकाल लिया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम वाई पी से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो अब हमको कौन सा केस लेना है, नॉन होमोजीनस केस, यानी ओरिजिनली पूरा को लेना है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा वाई टी प्लस वन प्लस ए वाई टी इक्वल टू सी, पूरा लेना है। अब यहाँ पर आपको वाई टी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर हम फोकस किए हुए, तो वाई टी जब निकालना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, के मान लेना है, तो आप ये कांस्टेंट के माने, यहाँ पर देखो जो माने थे यहाँ पर जो टी इसका वेरिएबल है लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, तो जब हम वन पीरियड टाइम स्क्रिप्ट बढ़ाएंगे तो के अस्थिर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ठीक है,
तो क्या होगा, k हो जाएगा टोटल का वैल्यू, फिर a k इक्वल टू c। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम फोकस किए हैं, k ले लो कॉमन, 1 प्लस a इक्वल टू c, तो देयरफॉर k इक्वल टू c a c बाय 1 प्लस a। ठीक है, k बराबर आप यहां पर क्या माने हैं, y t इक्वल टू k, ठीक है, y t इक्वल टू k, ठीक है, तो k का वैल्यू जो हो गया C plus C by 1 plus A, यही है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर, if A does not equal to minus 1, अगर minus 1 नहीं होगा तो ये केस यहाँ पहला बन रहा है, केस 1। हम केस 2 को बाद में लेटर ऑन कंसिडर करेंगे। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हमारा ये निकल गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन y c equal to a माइनस बी टू दी पावर टी, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला केस वन में, केस वन इसको हम केस करते हैं, केस वन, केस वन में हमारा क्या निकला भाई, जब ये निकला सी बाय वन प्लस ए इफ ए डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, यहां तक क्लियर। अब इसके आगे आपको एक काम करनी पड़ेगी, अब है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, उस पर हम लोग कॉन्सिडर करेंगे। जब जनरल सॉल्यूशन निकालना सीख जाएंगे तो डेफिनेट सॉल्यूशन और भी आसान है। तो जनरल सॉल्यूशन को वाई टी यहां लिख देना, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, तो वाई टी इक्वल टू सम ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब दोनों जो निकला है आपको वाई टी इक्वल टू क्या है आप देख लो, तो y जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है a माइनस a टू द पावर t प्लस y t बराबर क्या निकला है c 1 प्लस a। ये केस 1 में हम कंसीडर कर रहे हैं, केस 1 जब a का वैल्यू माइनस 1 ना हो, ठीक है। तो ये जो हमने अभी निकाला इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर t बराबर डेफिनेट सॉल्यूशन निकालना, t बराबर 0 कर दो, तो t बराबर जैसे ही 0 करेंगे तो जहां जहां t है सब जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए टू दी पावर 0 प्लस c प्लस 1 बाय a, अब इधर आ जाएगा y 0 माइनस c 1 प्लस a इक्वल टू a, और a का पावर किसी का 0 होता है उसका मीनिंग 1 होता है। तो यह देखो a माइनस ए टू दी पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, तो a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो डिफरेंट सॉल्यूशन आसानी से आप निकाल लेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंट सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, आपको y t लिखना है, ये सिर्फ a का वैल्यू जो निकाले यहां पर उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, किसका निकला है y 0 माइनस c 1 प्लस a, ठीक है। उसके बाद क्या है जो है एज इट इज रहेगा, माइनस ए टू दी पावर टी प्लस सी बाय वन प्लस ए, यही आया। ये जो निकाले वो डिफरेंट सॉल्यूशन हो गया केस वन में, जब ए डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब दूसरा चीज देखना है, केस टू पर कंसिडर करना है, ठीक है। तो केस टू में आपको जब इसका वैल्यू माइनस वन के बराबर होगा, सीधे जीरो होगा, जो इनडिफाइंड मतलब क्या कह सकते हैं, जीरो कर देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अब देखते हैं, केस टू पर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन था वाई टी प्लस वन ए वाई टी इक्वल टू सी था, ठीक है। तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो निकला था वो क्या था, ए, ठीक है, माइनस ए टू दी पावर टी, ठीक है। तो केस टू में हम कंसीडर करेंगे, केस टू में तो क्या है a इक्वल टू माइनस वन, तो यहां पर क्या हो जाएगा पर्टिकुलर कंप्लीमेंट्री फंक्शन a, अब माइनस वन इसका वैल्यू हो गया ऑलरेडी a का, तो a की जगह हम माइनस तो ऑलरेडी अंदर से है ये माइनस, और फिर a का वैल्यू माइनस वन हो गया और इसका पावर t, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस इनटू माइनस, ये प्लस मतलब प्लस वन हो जाएगा टू दी पावर टी। अब किसी भी चीज का पावर टी कर दोगे या वन का पावर जितना भी कर दो, 3000 4000, उसका वैल्यू वन होगा, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा इसमें। अगर इसमें हम
वो तो नॉन होमोजीनियस केस लिए चलना पड़ेगा, वाई टी प्लस वन प्लस ए वाई टी इक्वल टू सी। अब यहाँ पर आप ठीक है वाई टी इक्वल टू के मान लेते हैं, तो अगर ए इफ ए इक्वल टू माइनस वन आ जाता है मेरा खेल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त एक काम करना पड़ेगा, वाई टी इक्वल टू आपको टी के मारना पड़ेगा या के टी मार्क टी के या के टी मान लो के टी, तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है पर्टिकुलर सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा वाई ठीक है वाई टी बराबर क्या माने हैं आप, वाई टी बराबर के टी है तो के टी लिखते हैं ठीक है, लेकिन के टी हम माने हैं इसमें वन टी में ऐड करना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद यहां पर ए के टी इक्वल टू सी। अब सबसे हम अगर के निकाल लेते हैं ठीक है, के हम निकाल रहे हैं तो यहां पर बचेगा टी प्लस वन और यहां पर ए टी बचेगा ठीक है इक्वल टू सी। अब इसको हम आगे को मूव करते हैं, केस टू पर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो के इक्वल टू टी प्लस वन प्लस ए टी इक्वल टू सी। अब यहां पर थोड़ा काम कर लो, ए इक्वल टू माइनस वन है, ये कंडीशन मान रहे जब ए का वैल्यू माइनस वन है तो ए का वैल्यू माइनस वन हम कर देते हैं, तो के टी प्लस वन प्लस माइनस वन इंटू टी ठीक है, इस तरह कुछ होगा इक्वल टू सी। तो के हो जाएगा यहाँ पर टी प्लस वन, ये माइनस टी हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा ठीक है इक्वल टू सी। तो ये टी टी कैंसिल, तो बचा क्या के वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही बचेगा सी, तो के बराबर सी आ जाए। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन आपने माना था क्या के टी के और टी, तो इसका के का वैल्यू सी और इसका टी ऑलरेडी आएगा। तो जनरल सोल्यूशन क्या हम जानते हैं, इट इज अ सम ऑफ जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो वाई टी इक्वल टू वाई सी प्लस वाई बी, अब ये दोनों को ऐड कर दो। तो वाई सी वो वैल्यू नहीं ऐड करना, अभी जो नया निकाला केस टू में आया क्या ए और ये आया है प्लस सी टी। अब डिफरेंट सोल्यूशन में क्या करना है, टी इक्वल टू जीरो कर दो, तो टी वाई जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा टी इंटू सी इंटू जीरो, टी का वैल्यू जीरो है तो वाई जी वाई जीरो इक्वल टू ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पूरा ज्वाइन करेंगे। तो डिफरेंट सोल्यूशन हम दे सकते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन इन केस नंबर टू व्हेन ए इक्वल टू माइनस वन, डिफरेंट सोल्यूशन ठीक है डिफरेंट सोल्यूशन। तो ए का वैल्यू पुट कर दो इस जो जनरल सोल्यूशन में हम लोगों ने निकाला है, तो वाई टी हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या आया है वाई जीरो ठीक है प्लस सी टी। दिस इज द डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन व्हेन केस नंबर टू ए इक्वल टू माइनस वन। आई होप एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट पेपर टू इकोनॉमिक्स में चाहिए, तो मैं उसका वीडियो कवर करूंगा और टॉपिक वाइज टॉपिक भी कुछ बनाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा आप लोग हमारा मनोबल को बढ़ाइए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपकी सर्विस में अवेलेबल करा पाऊंगा बिफोर ऑफ योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।